भारतवर्ष को विविधता में एकता वाला देश कहा जाता है। इस देश की संस्कृति, रहन सहन आदि के बारे में जानकारी लेनी हो अर्थात भारत दर्शन करना हो तो पर्यटन का सहारा लिया जा सकता है। आओ भारत दर्शन के लिए हम विभिन्न स्थानों की यात्रा पर चलें। भारत दर्शन की इस रोमांच से भरी यात्रा में हमारा पहला पड़ाव है तेजपुर। पूर्वोत्तर भारत के प्रमुख राज्यों में से एक है असम। इस राज्य में चाय बागानों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध एक प्रमुख शहर है तेजपुर। इसे असम की सांस्कृतिक नगरी के रूप में जाना जाता है। तेजपुर पहुंचने के लिए वायुमार्ग से कोलकाता या गुवाहाटी तक जाया जा सकता है। कोलकाता से तेजपुर के लिए सीधी उड़ानें उपलब्ध हैं। गुवाहाटी से तेजपुर की लगभग 175 किलोमीटर की दूरी सड़क मार्ग से तय की जा सकती है। रेल मार्ग से भी गुवाहाटी तक पहुंचना होता है, जहां से सड़क मार्ग द्वारा तेजपुर जाया जाता है। तेजपुर एक ऐतिहासिक नगरी है। ऐसी मान्यता है कि यहां की पहाड़ियों पर असुर राज बाणासुर का शासन था। बाणासुर की पुत्री उषा से श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध विवाह करना चाहते थे। इससे नाराज होकर बाणासुर ने उषा को अग्निगढ़ की पहाड़ियों पर अग्नि के घेरे में कैद कर दिया था। उसने अनिरुद्ध को भी पकड़कर अन्य स्थान पर कैद कर रखा था। अनिरुद्ध को छुड़ाने के लिए कृष्ण और बाणासुर की सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। कहा जाता है कि इस युद्ध में इतने लोग मारे गए थे कि यहाँ की धरती लाल हो गई थी, इसीलिए इस जगह का नाम तेजपुर पड़ा। यह संस्कृत के दो शब्दों तेज अर्थात रक्त और पुर अर्थात नगर के मेल से बना है। तेजपुर और इसके आसपास कई ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जो पर्यटकों को लुभाते हैं। अग्निगढ़ पर्वतमाला के बीच उषा अनिरुद्ध उद्यान देखकर पर्यटक आनंदित हो उठते हैं। यह वही स्थल है जहां बाणासुर ने अपनी पुत्री को कैद कर रखा था। इस उद्यान को समीप से निहारने पर ब्रह्मपुत्र का विहंगम दृश्य बहुत प्यारा लगता है। तेजपुर के अन्य दर्शनीय स्थलों में प्रमुख हैं चित्रलेखा उद्यान, स्मृति पदुम पुखरी, बामुनी पहाड़, दा पर्वतिया द्वार और हजारा पुखरी। बामुनी पहाड़ और दा पर्वतिया द्वार को देखकर गुप्तकाल की वास्तुकला का परिचय मिलता है। हजारा पुखरी का निर्माण 9वीं शताब्दी के शासक हजारा वर्मा ने करवाया था। यह एक विशाल तालाब है जिसका क्षेत्रफल 0.28 वर्ग किलोमीटर है। वन्य जीवों के प्रेमी तेजपुर के आसपास कई स्थलों का भ्रमण कर सकते हैं। इनमें प्रमुख हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी उद्यान तेजपुर से लगभग 40-50 किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं। भारत दर्शन की इस रोमांचक यात्रा का दूसरा पड़ाव है अनंतगिरी। अनंतगिरी भारत के गिने चुने खूबसूरत पहाड़ी स्थलों में से एक है। यह आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले में विकाराबाद के समीप तिरुमाला पर्वत पर बसा हुआ है। यहां आने के लिए वायुमार्ग या रेल मार्ग से विशाखापत्तनम तक पहुंचना होता है। वहां से आगे अनंतगिरी के लिए सड़क मार्ग से जाना होता है। विशाखापत्तनम से रेल द्वारा श्रीकाकुलम रेलवे स्टेशन तक भी जाया जा सकता है, जहां से अनंतगिरी 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अनंतगिरी घने जंगलों से घिरा हुआ स्थल है, जहां का प्राकृतिक सौंदर्य निराला है। जगह जगह कॉफी के बागान और आम के बगीचे देखे जा सकते हैं। मूसी नदी का उद्गम स्थल अनंतगिरी की पहाड़ी है। यह नदी आंध्र प्रदेश की प्रमुख नदियों में से एक है। पहाड़ी में से मूसी नदी जहां पर निकलती है, वहां पर झरने का दृश्य
मनोहारी लगता है। अनंत गिरी में स्थित पवित्र भवनासी झील को दक्षिण का बद्रीनाथ माना जाता है। अनंत गिरी में भगवान विष्णु का एक मंदिर बना है, स्वामी अनंत पद्मनाभा मंदिर के नाम से विख्यात। इस मंदिर के बारे में किंवदंती है कि इसकी आधारशिला द्वापर युग में मार्कंडेय ऋषि ने रखी थी। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु ने यहाँ पर योग साधना में लीन मार्कंडेय ऋषि को साक्षात दर्शन दिए थे। अनंत गिरी आने वाले पर्यटक यहाँ बोर्रा की पहाड़ियों में बनी गुफाएं देखने अवश्य जाते हैं। ये गुफाएं भारत की सबसे बड़ी और सबसे गहरी गुफाएं मानी जाती हैं। अनंत गिरी आने वाले कुछ पर्यटक यहाँ से 17 किलोमीटर दूर अराकू घाटी भी घूमने जाते हैं। इस घाटी में अराकू आदिवासी संग्रहालय, कातिकी जलप्रपात, टाइडा पार्क, पद्मापुरम उद्यान आदि देखने का मजा लिया जा सकता है। भारत दर्शन की हमारी इस यात्रा का तीसरा पड़ाव है शीतला खेत। शीतला खेत हिमालय की खूबसूरत वादियों में बसा एक मनमोहक स्थल है। यह उत्तराखंड राज्य में रानीखेत के समीप अवस्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए वायु मार्ग से पंतनगर तक जाना होता है और रेल मार्ग से जाने पर काठगोदाम नजदीकी रेलवे स्टेशन पड़ता है। पंतनगर या काठगोदाम से आगे की यात्रा सड़क मार्ग से पूरी करनी होती है। वैसे अल्मोड़ा, रानीखेत व हल्द्वानी से भी सड़क परिवहन द्वारा शीतला खेत जाया जा सकता है। शीतला खेत आकर पर्यटक घंटों तक हिमालय की विस्तृत पर्वतमाला का नजारा देखा करते हैं। यह पूरा क्षेत्र विभिन्न प्रकार के फल फूल, औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों से भरा पड़ा है। शीतला खेत से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है खूंट, जहां उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत का जन्म हुआ था। इस जन्म स्थली का दर्शन करना अपने आप में एक अनोखा अनुभव देता है। शीतला खेत के समीप समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्याही देवी नामक पहाड़ी है। यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर ओक, बुरांस और चीड़ के वृक्षों के जंगल से होते हुए एक रास्ता स्याही देवी के मंदिर की ओर जाता है। यहाँ के मूल निवासियों में इस मंदिर की बड़ी मान्यता है और वे स्याही देवी के दर्शन के लिए नियमित रूप से इस मंदिर में आते हैं। शीतला खेत एक बहुत ही बढ़िया पिकनिक स्थल है। यहाँ का मौसम पूरे वर्ष बहुत अच्छा रहता है। कुछ पर्यटक यहाँ समूहों में आते हैं और यहाँ कैंप लगाकर रहते हैं। वे सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा देखना नहीं भूलते। ऐसा अनुभव होता है मानो सूर्योदय के समय सूरज प्रकृति की गोद से निकल रहा हो और सूर्यास्त की बेला में पुनः प्रकृति की ही गोद में समा रहा हो। भारत दर्शन की इस यात्रा का चौथा और अंतिम पड़ाव है डांडेली। डांडेली कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर काली नदी के मुहाने पर बसा एक छोटा सा शहर है। हवाई मार्ग द्वारा बेलगांव, हुबली या गोवा पहुंचकर आगे सड़क परिवहन द्वारा यहां जाया जा सकता है। रेल मार्ग द्वारा अलनवर, लोंडा या धारवाड़ पहुंचकर वहां से आगे सड़क मार्ग से डांडेली पहुंचा जा सकता है। डांडेली में आने वाले पर्यटक डांडेली वन्य जीव अभयारण्य का भ्रमण करना पसंद करते हैं। यह अभयारण्य उत्तरी कन्नड़ जिले में स्थित है। यहाँ दुर्लभ काला चीता पाया जाता है। इसके अतिरिक्त हिरणों की कई प्रजातियां यहाँ देखी जा सकती हैं। डांडेली के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक कावला गुफा है। इस गुफा तक पहुंचने के लिए 375 सीढ़ियों पर चढ़ना होता है। चूना पत्थर से बनी इस गुफा में प्राकृतिक रूप से बना शिवलिंग देखा जा सकता है, लेकिन शिवलिंग के दर्शनार्थी को गुफा के अंदर लगभग 10-12 मीटर तक रेंगते हुए घुसना पड़ता है।
इसके अतिरिक्त यहाँ तुला राज भवानी मंदिर, श्री मल्लिकार्जुन मंदिर और डांडेलप्पा मंदिर के भी दर्शन किए जा सकते हैं। डांडेलप्पा मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह यहाँ के मिरासी नामक जमींदार के वफादार सेवक डांडेलप्पा को समर्पित है, जिसने अपने स्वामी की वफादारी में प्राणों की आहुति दी थी। डांडेली के अन्य दर्शनीय स्थलों में प्रमुख हैं शिवाजी का किला, साइक्स पॉइंट, शिरोली पीक और सिंथेरी चट्टानें।